हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सलवार की मोहरी पर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। पोचा या मोहरी बॉटम जो भी आप बोलते हैं उस पर आज हम बहुत ही सुंदर से एक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। और ये डिज़ाइन मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया था कि आपको इस पोचे के डिज़ाइन का ट्यूटोरियल देखना है या नहीं। सो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने बोला कि दैट वी वॉन्ट दिस ट्यूटोरियल, सो आज मैं इस वीडियो के साथ हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। और आज मैं इसको बनाने का आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगी। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मोहरी बनाने के लिए सबसे पहले हम बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली हैं अपनी दोनों बॉटम्स के लिए। और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको अपनी बुकरम की लंबाई 2 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई आपको अपनी सलवार की मोहरी के अकॉर्डिंग रखनी है। यहाँ पर जितनी भी आपकी सलवार की मोहरी है उसके ऊपर इस तरह से अपने बुकरम को रख के देख लीजिए। तो ये देखिए, आपको इस तरह से इसको नाप लेना है कि इतना आ रहा है कि नहीं, और ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकला रहना चाहिए बाहर की तरफ, जैसे कि जब आप इसे स्टिच करें तो ये अच्छे से आ जाए। और इसकी लंबाई आपको 2 इंच लेनी है। अब सेम कलर के फैब्रिक पर इस तरह से आपको इसे स्टिच करके पूरा लगा लेना है। यहाँ पर हम बुकरम यूज़ कर रहे हैं तो हम सिलाई करके लगाएंगे। अगर आप पेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको प्रेस से चिपका लीजिए। यहाँ से देखिए, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको पूरा स्टिच कर लेना है अपनी दोनों मोहरी को। और यहाँ से करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आपको अपनी दूसरी मोहरी इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। और यहाँ से भी करीब आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से आपने उस तरफ किया था उसी तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आपको इस तरफ कटिंग कर लेनी है। और अब इसे बीच में से भी आप अलग कर दीजिए। अब इसको आपको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा के यहाँ से स्टिच लगाना है। और ये स्टिच आपको केवल एक ही तरफ लगाना है, दूसरी तरफ 1/2 इंच जो आपने एक्स्ट्रा छोड़ा उस तरफ आपको कोई स्टिच नहीं लगाना। तो ये देखिए, हमने अपनी दोनों मोहरी इस तरह से एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको अपनी सलवार पे लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप अपनी सलवार ले लीजिए और ये हमारी सलवार का सीधा साइड है और इस तरह से आपको ये रखना है। उल्टा साइड आपका ऊपर की तरफ रहेगा पोचे का। और बिल्कुल बराबर बराबर में आपको सिलाई लगा लेनी है बुकरम के। बिल्कुल बराबर बराबर में आपको सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसे उल्टी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसके ऊपर अब यहाँ पर आपको छोटी सिलाई करके यहाँ पर पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से आपका पूरा ऊपर की तरफ बैठ जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये पूरा स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से उल्टी तरफ से भी आपको स्टिच करना है ऊपर की तरफ। आप एक स्ट्रेट स्टिच लगाइए पूरे में। और ये सिलाई लगाते वक्त नीचे का कपड़ा थोड़ा सा खींचते रहिए ताकि नीचे कोई भी बल्जेस ना बने। तो ये देखिए, दोनों तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप कोई भी कंट्रास्ट कलर का कपड़ा ले लीजिए। इसको हमने एक स्ट्रेट पट्टी में कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। इस तरह से हमें 1.5 इंच रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसको आप बीच में से फोल्ड कीजिए और देखिए, करीब 1/2 इंच से 1 से ज़्यादा रखते हुए आपको इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसकी पूरी लंबी स्टिच लगा लेंगे पूरे में नीचे तक। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये पूरा नीचे तक स्टिच कर लिया है। अब आप कोई भी सुई ले लीजिए, उसमें आपको 4 परत करके धागा डालना है। और यहाँ पर इस तरह से पहले आप इसको लगाइए और यहाँ पर आपको एक नॉट लगानी है ताकि यहाँ पर एक गांठ बन जाए। अब इस सुई को आपको इस तरह से इसके अंदर डालना है, पूरे में पिरो देना है आपको, और दूसरे साइड से पूरा आपको इसे बाहर निकाल लेना है इस तरह से। और देखिए, आप कहीं भी अपनी मशीन में इसको आप इस तरह से बांध दीजिए ताकि ये कहीं से निकले ना। अच्छे से इसको आप बांध दीजिए।
अब जहाँ से आपने ये अपनी सुई इसमें डाली थी वहीं से आपको इसे सीधा करना है। हमें पूरी पट्टी को इसी तरह से सीधा कर लेना है क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी है, तो ये बहुत ही ईजिली आपकी पूरी सीधी हो जाएगी। जैसे हम डोरी अपनी पलटते हैं उसी तरह से आपको इसे पलटना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी डोरी सीधी होने लगी है। इस तरह से आपको पूरी डोरी सीधी कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी पूरी डोरी सीधी हो गई है। अब इसको इसके ऊपर हम प्रेस करके इसको बिठा लेंगे। ये डोरी को हमने पूरा प्रेस करके बिठा लिया है। अब इसको हम अपनी मोहरी पे लगाएंगे, तो इससे हम अपनी मोहरी पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए हमने अपनी मोहरी का सीधा साइड ले लिया है और इस तरह से आपको ये डोरी अपनी मोहरी के ऊपर इस तरह से रखनी है और इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले इस तरह से रखिए और इस तरह से आपको ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करना है और अब नीचे की तरफ से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और देखिए बहुत ही इस तरह से आपका ये बहुत ही सफाई के साथ कोना बन जाएगा। तो आपको हर तरफ से इसी तरह से आपको कोना बनाना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे पूरे में। आपको कोनों के पास कोई सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पर केवल आपको एक सीधी सिलाई लगानी है पूरे में। तो देखिए इस तरह से आपको कोना बनाना है और यहाँ पर सीधी स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है, देन आपको नीचे से पहले आपको ऊपर से फोल्ड करना है इस तरह से, देन आपको नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है जिससे कि आपका एक कोना बन जाएगा। बहुत ही नीटली आपको ये कोना बनाना है और ये सारे कोने आपके एक बराबर ही बनेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपको अपना पूरा डिज़ाइन, अपने पूरे डिज़ाइन को बना लेना है पोंचे के ऊपर। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से निकलेगा और सेम इसी तरीके से आपको पूरा डिज़ाइन निकाल लेना है अपना। तो ये देखिए एक मोहरी में हमने ये डिज़ाइन इस तरह से बना के पूरा कर लिया है। अब इसी तरह से आपको अपने दूसरे पार्ट पे भी डिज़ाइन बना लेना है। सेम इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट पे भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने दोनों मोहरी पे इस तरह से ये डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस तरह से आप अपने स्लीव्स पर, नेक पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले दोनों तरफ, उसके बाद उसके बीच में हम लहरियाँ बनाएंगे जैसे कि हम नॉर्मल अपने पोंचों में बनाते हैं। और हम इसी तरह के सेम ग्रीन कलर के धागे से ये लहरियाँ बनाएंगे। पहले हम दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, इससे ये डिज़ाइन आपका और भी ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देगा। ये दोनों लाइंस बनाने के बाद इसके बीच में अब हम लहरियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए अपनी मशीन इस तरह से zigzag घुमाते हुए आपको बनाना है और ये लहरियाँ आपका बहुत ही ईजिली बन जाएगा। और ऊपर की तरफ भी इसी तरह से आपको सेम ऐसे ही डिज़ाइन बना लेना है। अब दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फिनिश एंड कम्प्लीट लुक ऑफ अवर पोचा और ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक देगा जब आप इसे वेयर करेंगे।
और आप इसे किसी भी अपनी ट्रेडिशनल जूती के साथ वेयर कर सकते हैं। लाइक आप इसे पटियाला सलवार में बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एक जूती के साथ ज़रूर परफेक्ट मैच करेगा। एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करने से मुझे बहुत सारी खुशी मिलती है। और प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।